लिखो, इससे मैंने पाया तन मन, इससे मैंने पाया जीवन, मेरा तो बस कर्तव्य यही, कर दूं सब कुछ इसके अर्पण। मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का हूँ सेवक, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि कर सकता बलिदान अभय, स्वयं को समाज का सेवक कहने वाला और समष्टि के लिए व्यष्टि का बलिदान करने वाला। यह व्यक्ति कोई साधारण लेखक या कवि नहीं, अपितु यह तो भारतीय राजनीति में एक स्तंभ के रूप में स्थापित हो चुके पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। भारतीय राजनीति में जिस प्रकार से उन्होंने एक नए युग की शुरुआत की, वह निश्चय ही प्रशंसनीय है। वाजपेयी जी का जीवन परिचय। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। उनकी माता का नाम श्रीमती कृष्णा देवी तथा पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था। उस समय इनकी माता श्रीमती कृष्णा देवी और पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी ने शायद ही यह सोचा होगा कि उनकी यह संतान एक दिन प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित होकर उनका नाम रोशन करेगा। वाजपेयी की आरंभिक शिक्षा ग्वालियर के ही सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में हुई। इसके बाद इन्होंने विक्टोरिया कॉलेज, वर्तमान में लक्ष्मीबाई कॉलेज से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर कानपुर के दयानंद एलेंगु वैदिक कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। यद्यपि उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की, परंतु किसी कारणवश वह इसे पूरा नहीं कर पाए। वाजपेयी जी अपने आरंभिक जीवन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बन गए थे। उन्होंने आर्य कुमार सभा में भी सक्रिय भूमिका निभाई। यद्यपि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वाजपेयी जी की सक्रिय भूमिका का उल्लेख नहीं मिलता है, यद्यपि वर्ष 1942 में उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत जेल जाना पड़ा था। इसके बाद वह भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संपर्क में आए और शीघ्र ही अपनी प्रतिभा के बल पर उनके राजनीतिक सचिव बन गए। इससे पूर्व वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहे। राष्ट्र धर्म चेतना, दैनिक स्वदेश, वीर अर्जुन आदि पत्र पत्रिकाओं के संपादक रह चुके थे और एक कुशल संपादक एवं सफल पत्रकार के रूप में प्रसिद्धि पा चुके थे। 23 जून 1953 को डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के आकस्मिक निधन के बाद भारतीय जनसंघ की अगुवाई का भार अटल जी पर आ पड़ा, जिसे उन्होंने भली भांति निभाया। अपने राजनीतिक मार्गदर्शक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संदेश देश भर में
फैलाते हुए अटल जी ने स्वाधीन भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर अपनी अमिट छाप छोड़ने में सफलता पाई। श्री अटल जी ने वर्ष 1955 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था, परंतु धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता में वृद्धि होती गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। प्रधानमंत्री के रूप में वाजपेयी वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना में भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुख्य भूमिका निभाई। कवि हृदय होते हुए भी बेबाक बोलने का कौशल रखने वाले वाजपेयी जी ने लगभग 4 दशक से भी अधिक समय तब तक विपक्ष में रहते हुए सकारात्मक भूमिका निभाई और 3 बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए। यद्यपि वह वर्ष 1996 में पहली बार पर्याप्त समर्थन के अभाव में 13 दिन और दूसरी बार वर्ष 1998 में 13 महीने ही सरकार चला सके थे, परंतु वर्ष 1999 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वह पूरे 5 साल सफलतापूर्वक सरकार चलाने में सफल रहे। भारतीय राजनीति में यह उपलब्धि दर्ज कराने वाले वह पहले गैर कांग्रेसी नेता थे। प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लगभग 40 वर्ष तक अटल जी ने जिस तरह विपक्ष के नेता के रूप में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई, वह एक बार स्वयं पंडित नेहरू ने उनकी बागपटुता से प्रभावित होकर कहा था कि यह नौजवान एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। उनका यह कहना सत्य सिद्ध हुआ और नेहरू इंदिरा के बाद पुनः देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने भारत को एक नई ऊर्जा और दिशा दी। कवि हृदय वाले होते हुए भी बेझिझक होकर स्पष्ट रूप से अपनी बात रखने के कौशल में माहिर अटल जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को नई पहचान दिलाई। बिना किसी के दबाव में आए हुए उन्होंने देश को परमाणु शक्ति बनाने में अहम भूमिका निभाई, तो पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ भी रिश्तों को नए सिरे से आरंभ किया। उनकी विदेश नीति को अब तक की सबसे सफल विदेश नीति माना जाता है। उन्होंने दिल्ली लाहौर बस सेवा का शुभारंभ किया और स्वयं भी बस में बैठकर लाहौर गए। उस समय इस पहल को लेकर अटल जी की आलोचना अवश्य हुई थी, परंतु आज विरोधी और आलोचक भी उनकी इस दूरगामी पहल के प्रशंसा किए बिना नहीं रहते। पाकिस्तान ने अटल जी की उदार छवि का अनुचित लाभ उठाते हुए वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध का बिगुल बजा दिया, परंतु अटल जी ने कारगिल युद्ध की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से संभाला और ऑपरेशन विजय के अंतर्गत भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को पराजित किया। स्टॉप।